कल जो करा क्या सब लोग ने असाइनमेंट, कल जो असाइनमेंट दिया था मैंने। रिएक्ट के लाइफ साइकिल मेथड याद हो गए क्या सबको?
किसने किसने किया रिएक्ट? कौन कौन असाइनमेंट करा? कराया जुनेद? हाँ प्रॉक्स को क्या क्या नहीं समझ में आ रहा? तो काउंटर भी समझ में नहीं आ रहा तो फिर तो प्रॉप्स की जरूरत ही नहीं है तेरे को उसमें। ऑन ऑफ करने में बल्ब को प्रॉप्स की जरूरत ही नहीं है, बिना प्रॉप्स के करना था। हनी रिएक्ट में करने का है बिना प्रॉप्स के। कौन करा असाइनमेंट? ऑनलाइन किसी ने करा? भजान अथर्व असाइनमेंट दिया था मैंने कल तुम लोगों को, दो असाइनमेंट दिया था। क्या क्या दिया था? क्या क्या असाइनमेंट दिया था? करा गया? हाँ तूने करा? क्या नहीं हो रहा? हाँ क्यों क्यों नहीं हो रहा बोल। हाँ क्यों
क्या है, याद करना था रिएक्ट कंपोनेंट लाइफ साइकिल। दो चीजें बोला था मैंने, एक तो रिएक्ट की कंपोनेंट लाइफ साइकिल, 10 चीजें याद करना, 9 चीजें याद करना, वो भी नहीं हो रहा तुम लोगों को। हाँ, और क्या नहीं हुआ अथर्व तेरे से, क्या नहीं हो पाया, ऑन ऑफ नहीं हो पाया तुम लोग से, इतना सब कुछ पड़ा और ऑन ऑफ नहीं हो पाया, क्या तो भी था वो ऑन ऑफ में। हाँ, यार तुम लोग असाइनमेंट भी नहीं करोगे, जो बोले वो भी नहीं करोगे, तो कैसे चलेगा यार। तुम लोगों को ऑन ऑफ करते भी नहीं आया रे हो, क्या तो भी था वो ऑन ऑफ कंपोनेंट में, क्या था उसमें। हाँ, ऑन ऑफ में क्या था, खाली तुमको ये इतना उठा के जो करा हुआ है वो भी करना जमा नहीं, ऑन करिए। क्या नहीं जमा, ये ऑन ऑफ का कोड देखे क्या जाके, एटलीस्ट ये इसको कॉपी करना नहीं जमा, यहां से कॉपी करके। हाँ? क्या करना था तुम्हारे, ये कॉपी करना नहीं जमा रहे यहां से यहां तक, खाली तुम्हारे यहाँ पे। ये ऐप कंपोनेंट नहीं बनाना आता तुम्हारे, रिटर्न क्या करता है इन्हें। हाँ, खाली इसके ऊपर एक फ्रैगमेंट डालने का दिमागो, और ये इतना लिखने नहीं आया दिमागो, और क्या करना था दिमागो। हाँ, खाली यहाँ पे ये ऑन क्लिक चेंज करने का था दिमागो, ऑन का सी कैपिटल करने का था दिमागो, और यहाँ पे इक्वल टू ये कर्ली ब्रैकेट डालने का था। ऑन के क्लिक पे क्या करना, ऑफ के क्लिक पे क्या करना, ऑफ के क्लिक पे ऑफ वाला कॉल करना, इतना नहीं जम रहा था तुम्हारे को। यहाँ पे ऑन क्लिक 2 बार लिखना,
यहाँ पे एक फंक्शन नहीं बनाना जमा दुमा को। ऑलरेडी मैंने फंक्शन भी बना के बताया वाला है इसका, सेम चीज का। ये ऐसा दो लिखे क्या तुमने? कितना लिखे? ये फंक्शनों में लिखे क्या? एटलीस्ट बताओ तुमने कितना करे। तुम लोग यार असाइनमेंट भी नहीं करोगे। ये ऐसे दो फंक्शन लिखना नहीं आया तुमको ऑन क्लिक के? प्रॉप्स कहाँ पास करने को बोला थे को मैंने? हाँ प्रॉप्स है क्या पास करने का? तो बोलने का ना, तुम लोग दे तुम लोग क्लास करने आते क्या नहीं आते? हाँ ऐसा डर लगता तो करने का ना काम। हाँ और यहाँ पे क्या चेंज हो रहा? सिर्फ एक SRC चेंज हो रहा। तो ये SRC चेंज हो रहा, तो खाली दिमाग को यहाँ पे ये SRC की जगह एक स्टेट वेरिएबल लेने का था। इमेज इमेज URL, सेट इमेज URL। एक स्टेट बनाना भी नहीं आया तुम लोगों को रे। और इसका पाथ देने का था तुम्हारे यहाँ पे। ये इमेज URL तुम लोग ये SRC को देंगे। और तुमको ये इमेज कॉपी करके लाने का। तभी नहीं समझा क्या? हाँ मुजम्मिल, क्या मैं कुछ अलग कर रहा क्या? हाँ अलग करा क्या मैंने? जो बताया वो ही करा ना। हाँ तुम लोग प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे। इमेज को यहाँ पे ला लिया, अब ऑन क्लिक पे क्या करूंगा मैं? हाँ ऑन क्लिक पे क्या करना है, क्या करना है इमेज को? इमेज बोले तो क्या करना है? हाँ हाँ आईडी का कंसेप्ट ही नहीं है यहाँ पे। डॉक्यूमेंट डॉट आईडी का कंसेप्ट है क्या यहाँ पे? पूरा स्टेट वेरिएबल से खेल रहे ना तुम। क्या करना पड़ेगा अभी मेरे को? रिटर्न क्यों करना पड़ेगा? तो यूआरएल बदलने का, तो इमेज को बदलने का तो क्या करना पड़ता? क्या कॉल करना पड़ेगा मेरे को? हाँ ये कोड समझा क्या सबको मैंने क्या करा? खाली ऑन बटन ऑन क्लिक का सी कैपिटल करा। यहाँ पे आईडी की डी की जरूरत नहीं रहती, यहाँ पे आईडी वगैरह की जरूरत नहीं रहती। हाँ मैंने क्या करा, ऑन के क्लिक पे एक हैंडल ऑन क्लिक डाला, ऑफ के क्लिक पे हैंडल ऑफ क्लिक एक फंक्शन डाला, और मैंने क्या लिया, एक वेरिएबल लिया, स्टेट वेरिएबल जिसको बोलते हैं अपन। क्या नाम है वेरिएबल का? क्या नाम है वेरिएबल का? इमेज यूआरएल। ये इमेज यूआरएल किसको दिया मैंने?
एसआरसी को दे दिया मैंने वो इमेज यूआरएल। अब मैंने ऑन पे क्लिक करा तो क्या होना, इमेज उसकी चेंज हो जाना। क्या इमेज चेंज हो जाना, तो उसको इमेज चेंज कैसे करेंगे अपन? हाँ, इमेज चेंज कैसे करेंगे? हाँ, ये इमेज यूआरएल की वैल्यू चेंज करेंगे। वैल्यू कैसे चेंज करते हैं ये इमेज यूआरएल की? प्रॉप्स क्यों आया है यहाँ पे? प्रॉप्स किस लिए आता? सेट इमेज यूआरएल से चेंज करेंगे तुम। तो तुम क्या करेंगे, ये सेट ये इमेज यूआरएल को ऑन क्लिक के ऊपर दूसरा यूआरएल दे देंगे ऑन वाला। हाँ? समझा गया ये? ऑन वाला यूआरएल दे देंगे और ऑफ के क्लिक पे क्या करेंगे तुम, ये जो एसआरसी है उसको क्या करेंगे, ऑफ वाला यूआरएल देंगे। हो गया तुम्हारा ऑन ऑफ का कोड। क्या था इसमें बताओ, इसमें क्या करने का था तुमको? हाँ अथर्वा, कहाँ गया तू? अथर्व गाई, हाँ रिजेंट कर, हाँ क्या नहीं हो पाया तेरे से बता मेरे को। अच्छा मैंने अभी जो करा तो वो समझा क्या सबको? क्या समझा तुमको अभी, अभी जो मैंने करा? हाँ अभी जो मैंने करा क्या क्या नहीं समझा, क्या क्या समझा तुम लोगों को? क्या समझा कि क्या नहीं समझा? अरे बोलो, अधर अधर हो गया क्या? हाँ बोलो, इसमें क्या अलग करा मैंने ये बता दे तू, कि तूने क्या करा और मैंने क्या करा? हाँ अभी आ रही है आवाज, बोल। अगर बोलना, आवाज आ रही है ना? वैसे ये इमेज नहीं आ रही है यहाँ पे। हाँ इमेज क्यों नहीं मिल रही है उसको, क्योंकि ये जनरली ना बिल्ड बनाता है, तो जनरली इमेजेस जो रहते हैं तुम्हारे वो तुम लोग पब्लिक फोल्डर में डाल सकते हो, या अगर ऐसे भी करें तो इमेजेस को इंपोर्ट कर सकते हो तुम यहाँ पर। अगर ऐसे नहीं चला, तुम्हारी इमेज नहीं दिख रही है तो ऐसा इंपोर्ट करके ट्राई करो।
ये ऑफ, ये ऑन। 10 मिनट में किया मैंने ये। वेरिएबल 2 बार क्यों बनाना था तेरे को? वेरिएबल एक ही छे अपने पास, फंक्शन 2 बार, फंक्शन 2 अलग अलग बनाया मैंने खाली। हाँ हो गया क्या सबका? असाइनमेंट करने को बोला था मैंने, ये करो अभी तो भी करो। इमेज को, अगर कोई इमेज के साथ खेलना है तो तुम लोग इमेज को ऐसा इंपोर्ट भी कर सकते हो, ठीक है? जो भी इमेज का पाथ है वो इमेज का पाथ बता के ये ऐसा तुम लोग इंपोर्ट भी कर सकते हो इमेजेस को, कोई भी फाइल रही तो उसको इंपोर्ट कर सकते हो बेसिकली। करो अभी यहां पर, इसीलिए स्लो जाना है, इसीलिए स्लो जाता है चीजें। कर रहे हो? करो। ये ऊपर का नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। कोई क्वेश्चन है क्या किसी को इसमें? ये कैसे किया है, क्यों वर्क कर रहा है, कैसे वर्क कर रहा है? सब लोगों को मैंने असाइनमेंट करने को बोला था।
हो गया क्या सभी का करना? अभी करो प्रैक्टिस, नहीं करे तो। डन हो गया सबका। वाला असाइनमेंट दिया था मैंने, कुछ भी नहीं करना था उसमें। सब लोग अपने अपने सिस्टम पर ये करो। पुराना जावास्क्रिप्ट का एग्जाम्पल दिया था, उसको रिएक्ट कंपोनेंट बनाना था उसका, या फिर रिएक्ट के अंदर लिख के बताना था खाली। ना प्रॉप्स बोला था मैंने, सिर्फ एक सिंपल स्टेट वेरिएबल लेना था तुम लोगों को, ऑन क्लिक इवेंट दो डालना था और करना था। ये देखो मैंने तुम लोगों को जब जावास्क्रिप्ट भी बताया था, पुराना अगर जाकर देखोगे तो ये एग्जाम्पल को सही तरीके से अपन ने कैसे किया था। ये देखो यहां पर भी अपन ने दो बटन लिया था, हैंडल ऑन बटन क्लिक, हैंडल ऑफ बटन क्लिक। ऑन में हमने SRC की वैल्यू चेंज की थी और एक पैराग्राफ के अंदर कुछ तो भी अपन ने डिस्प्ले किया था।
बटन इज ऑन, द बटन इज ऑफ। तो तुमको सिर्फ ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी तुम्हारा जावास्क्रिप्ट में चलता, यहाँ पे नहीं चलता। यहाँ पे तुम्हारे पास खुद के स्टेट वेरिएबल है, खुद का वेरिएबल है, डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट कोड है, तो तुमको डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लगता च नहीं। तो यहाँ पे अगर एसआरसी को कुछ भी असाइन करने का है, और सिंपल हो गया ये तो, मेरे को एक स्टेट वेरिएबल लिया मैंने इमेज, और वो इमेज वेरिएबल को मैंने सेट किया अलग अलग तरीके से, ऑन क्लिक पे उसको ऑन इमेज सेट कर दिया, ऑफ क्लिक पे ऑफ इमेज सेट कर दिया। इमेज को तुम लोग ऐसे इंपोर्ट भी कर सकते हो, इंपोर्ट जो भी इमेजेस रहते हैं, जो भी फाइल्स रहते हैं, वो उनको तुम ऊपर में इंपोर्ट कर सकते हो। इंपोर्ट करके जो भी वो तुम्हारे .png .jpg जो भी इमेज का पाथ है, वो पाथ लेके तुम लोग यहाँ पर खाली इंपोर्ट करने का थोड़ा सा सिंटैक्स अलग है, बाकी तो और सिंपल है ये जावास्क्रिप्ट से। हो गया क्या? जिसका जिसका हुआ डन बोलो, मेरे को इधर चैट में आगे बढ़ने दो थोड़ा। तुम लोग ये ऐसे असाइनमेंट नहीं कर रही है ना, तो ऐसे ही टाइम पास होता रहेगा और अपना टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। तुम लोग सब बोल रहे हैं, सब स्पून फीडिंग इच करो तो पैसा होगा रहे। हाँ बोलो मुखिद। हेलो सर, हाँ बोलो अब्दुल मुखिद बोलो। इसको हाँ टर्नरी ऑपरेटर के जरिए कौन सा ऑपरेटर? भी कर सकते हैं, टर्नरी ऑपरेटर वो हाँ टर्नरी ऑपरेटर से भी कर सकते तुम। इमेज यूआरएल लेने की सर जरूरत नहीं है ऊपर वहां पर। जो ऑन इमेज सर यूज स्टेट के अंदर जो उसको इनिशियल वैल्यू दे रहे ना अपन, उसको फॉल्स करके नीचे मैं करके बता कर मैं करा सर बता दो आप। हाँ तुम उसको फॉल्स ट्रू करके, लेकिन तुम हार्ड कोडिंग कर रहे हैं ना कहीं तो तुमको ये ऑन इमेज यूआरएल ऑफ इमेज यूआरएल लेना पड़ेगा ना। सर नीचे लेना बेटा। हाँ नीचे लेंगे तुम, और ये दो बार तुम इमेज टैग ले रहे, इफ हाँ अगर ये तुम्हारा ये ट्रू रहा वेरिएबल तो हाँ ठीक है ना, कोई भी तरीके से करो, होना चाहिए। ओके वो भी अच्छा तरीका है, डालो तुम्हारा भी कोड का फोटो लेके ग्रुप पे, डालो कोड का फोटो ले। एक चीज को बहुत 10 तरीके से कर सकते हो तो तुम्हारे वो
याद किया लाइफ साइकिल मेथड। निकालो हाँ बोलो भैया। निकालो, वहां भी नहीं आ रहा। क्या खा रखते का? हाँ अरे बैकग्राउंड नॉइज बहुत नहीं आया भैया। ये लगा हाँ ना सुना अनिल तेको तो याद कराया था ना मैंने। क्या है लाइफ साइकिल में था डिबल। हाँ माउंटिंग में क्या क्या है। सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या? ऑनलाइन वालों को स्क्रीन दिख रहा है मेरा। मेरा नेटवर्क आवाज आ रही क्या मेरी? कल मैंने तुम लोगों को रिएक्ट के कंपोनेंट की लाइफ साइकिल याद करने को बोला था। किसने किसने याद किया? ये चार चार और पांच नौ और एक दस, 10 मेथड का नाम याद करने का था तुम्हारे को खाली। कौन बोल रहा? मैं तो याद कर रहा। चलो अभी क्या क्या है माउंटिंग में क्या है? सब लोग जोर से। हाँ सब लोग, मेरे को एक ही आवाज आ रही। पहले खाली माउंटिंग याद करो, माउंटिंग के चार याद करो पहले। हाँ कंस्ट्रक्टर एक, फिर हाँ वापस एक बार, पांच बार। हाँ सब लोग पांच बार। हाँ। गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स।
स्टैटिक नहीं भी बोले तो चलता, स्टैटिक बोले तो वो मेथड स्टैटिक है, वो बाद में देखेंगे कि वो क्यों स्टैटिक है क्या है, पहले तुमको ये रट्टा मारना है। हाँ क्या है पहला कंस्ट्रक्टर, हाँ फिर हाँ, कितने हैं, कौन कौन से है, और एक बार, हाँ हाँ गेट डिराइव स्ट्रेट फ्रॉम प्रॉप्स, चार बार बोलो गेट डिराइव स्ट्रेट फ्रॉम प्रॉप्स, गेट डिराइव स्ट्रेट फ्रॉम प्रॉप्स, हाँ बिना देखे बोलो अभी सब लोग बिना देखे बोलो। तो ये सब क्या है, मेथड्स है, जहां पे भी कर्ली ब्रैकेट आता मतलब जहां पे भी कॉलिंग होता तो ये क्या रहते हैं, मेथड्स रहते हैं। तो ये माउंटिंग के मेथड्स है और ये सीक्वेंस सेम रहना, सीक्वेंस सेम रहना, सीक्वेंस बदलना नहीं तुमने। और टोटल मेजर, मेजर में किस में कैटेगरीज है, माउंटिंग, अपडेटिंग और अनकाउंटिंग, इसका भी सीक्वेंस चेंज नहीं करना तुमको। पहले क्या होती, माउंटिंग होती, माउंटिंग वाली बोले तो कंपोनेंट का एचटीएमएल आके बैठता, बाद में क्या होता अपडेटिंग, जब भी तुम्हारा स्टेट अपडेट हुआ कंपोनेंट का तो क्या होता अपडेटिंग होता, बराबर। देखो जब जैसे तुमने ऑन क्लिक पे क्लिक किया, देखो माउंटिंग बोले तो क्या हुआ, ये जो भी रिटर्न के अंदर था मतलब जो रेंडर मेथड था वो क्या हुआ, एचटीएमएल रेंडर हुआ, बराबर, उसको क्या बोलेंगे, माउंटिंग बोलेंगे। माउंटिंग बोले तो पहली बार जब कंपोनेंट लोड हो रहा तो क्या हो रहा, इनिशियल में ऑन लोड में क्या बोलेंगे उसको, माउंटिंग। तो उसमें कौन कौन से मेथड्स कॉल होते हैं, पहले कंस्ट्रक्टर मेथड, दूसरा गेट डिराइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, तीसरा रेंडर, चौथा कंपोनेंट, कंपोनेंट डिड माउंट, ठीक है। फिर बाद में जैसे तुमने बटन के ऊपर क्लिक करे मतलब क्या हो रहा, तुम्हारा एसआरसी मतलब जो तुम्हारा इमेज का पाथ है वो चेंज होने वाला है, मतलब अपडेट होने वाला है, तो उसको क्या बोलेंगे, अपडेटिंग बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, अपडेटिंग। तो अपडेटिंग के कितने मेथड्स है, अपडेटिंग के पांच मेथड है। पहला मेथड क्या है, गेट डिराइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, दूसरा कौन सा मेथड है, शुड कंपोनेंट अपडेट, तीसरा रेंडर, चौथा गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट, पांचवा कंपोनेंट डेटा, हाँ पांच बार बोलो इसको अब, पहला हाँ, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, बोलो बोलो चलो करो याद करो। गेट डिराइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, फिर शुड कंपोनेंट अपडेट, हाँ रेंडर, गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट, और फिर कंपोनेंट डिड अपडेट, हाँ करो पढ़ो याद करो जोर से, हाँ सब एक साथ, हाँ गेट डिराइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, शुड कंपोनेंट अपडेट, दूसरा तीसरा कौन सा है रेंडर, चौथा कौन सा है और पांच कंपोनेंट डिड अपडेट। ये जो गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट है मतलब उन्हें वर्चुअल डॉम बना रहा है, मतलब एक कॉपी, स्नैपशॉट बोले तो एक कॉपी रखता है पूरा डॉम का उन्हें,
तो ये जो अपडेट करने से पहले उन्हें स्नैपशॉट रखता है कॉपी करने का, ताकि उन्हें वर्चुअल डाउन के कॉन्सेप्ट के साथ खेल सके, है ना। क्या क्या है अपडेटिंग में? गेट डिराइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, शुड कंपोनेंट, रेंडर, हाँ वापस एक बार, बिना देखे नहीं हुआ बराबर से। हाँ वापस तीन बार देख के, हाँ हाँ वापस वापस याद करो। आंखें बंद करके हाँ अभी स्टार्टिंग से पहले के चार और अभी के पांच दोनों भी, पहले के चार बोलना और अभी के पांच बिना देखे। हाँ फिर अपडेटिंग में कंपोनेंट डेटा अपडेट, और अनमाउंटिंग में क्या है? कंपोनेंट विल अनमाउंट, कंपोनेंट विल अनमाउंट। हेलो सब स्टार्टिंग से एंड तक वापस पढ़ बोलो सीक्वेंस से। Should component update. कंपोनेंट विल अनमाउंट, कंपोनेंट विल अनमाउंट। लो ये पांच बार पढ़ो, ये भी याद नहीं आता टाइम पे इंटरव्यू में, पहले घबराए वाले रहते तुम, क्या याद रही? हो गया सभी को यार? कितने स्टेजेस है कंपोनेंट लाइफ साइकिल के? थ्री स्टेजेस, थ्री मेन स्टेजेस है। कौन कौन से है? हाँ माउंटिंग में क्या आता? कंपोनेंट, कंपोनेंट डिड माउंट। हाँ फिर अपडेटिंग में क्या क्या है? कंपोनेंट डिड अपडेट मेन तो ना, ये कंपोनेंट डिड माउंट मेथड जो मोस्टली यूज होती है, और कंपोनेंट डिड अपडेट मेथड मोस्टली यूज होती है, और कंपोनेंट विल अनमाउंट, ये तीन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीन मेथड तो तुम्हारे वर्ड्स में आना ही चाहिए जब तुम उसका, क्योंकि ये बहुत कॉमन है, 80% टाइम
तुमको ये क्वेश्चन पूछेगा इंटरव्यू में कि कैन यू से द कंपोनेंट लाइफ साइकिल मेथड्स ऑफ रिएक्ट। तो तुमको पूरे ये कंपोनेंट के लाइफ साइकिल के मेथड बताने पड़ेंगे। तीन मेजर स्टेजेस है, अपडेटिंग सॉरी माउंटिंग, अपडेटिंग और अनमाउंटिंग। माउंटिंग में क्या क्या है, कंस्ट्रक्टर पहले मेथड कॉल होता है, बाद में डिराइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, बाद में रेंडर, बाद में कंपोनेंट डिड माउंट। पहले माउंट हो रहा ना तो कंपोनेंट डिड माउंट रहता पहले। बाद में क्या है, अपडेटिंग में क्या क्या है, गेट डिराइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, शुड कंपोनेंट अपडेट, रेंडर, गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट, फिर अभी भी गलत है, अभी भी नहीं याद हुआ। अभी हाँ एक एक से बोलो आप, सही है। हाँ चल चल, हाँ मुशर्रफ। देखने का नहीं है। हाँ कितने स्टेजेस, मेन स्टेजेस, माउंटिंग, अपडेटिंग। माउंटिंग में है कंस्ट्रक्टर, फिर स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, रेंडर, कंपोनेंट डिड माउंट। अपडेटिंग में है गेट ड्राइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, शुड कंपोनेंट अपडेट, रेंडर, गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट, कंपोनेंट डिड अपडेट। एक छोटा क्या इसका, पांच है। हाँ माउंटिंग में है कंपोनेंट विल अनमाउंट। ले अनिल, अनिल मेथड फंक्शंस है, फाइव फंक्शंस रहते हैं। हाँ ठीक है, हाँ फाइव फंक्शन बोलने की जरूरत नहीं है, उसको रट्टा मारे जैसा भी नहीं लगना, और ऐसा नॉर्मल तुम बोल रहे बोल के लग रहा है, इन्होंने जैसा बोला वैसा बोलने का, खाली ऊपर ऊपर था, क्योंकि नहीं तो फिर तुम ऐसा पूरे सेंटेंस में और ऐसा टाइप गिव के साथ बोलेंगे ना, तो सामने वाले को ऐसा लगेगा कि भाई रट्टा मार के आया है। जुनैद, क्या पहला क्या, अच्छा हाँ कंपोनेंट डिड अपडेट, गेट माउंट, अपडेटिंग, गेट गेट ड्राइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, शुड कंपोनेंट अपडेट, रेंडर, गेट गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट, कंपोनेंट कंपोनेंट डिड अपडेट अपडेट। अपडेट है ना तो डिड अपडेट, माउंट है ना तो कंपोनेंट डिड माउंट, मतलब ऊपर का बोल रहा नीचे बोल रहा डिड अपडेट। चलो मेथड नहीं, हाँ लाइफ साइकिल मेथड। हाँ लाइफ साइकिल बोले तो तुमने लार्वा या बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल पढ़े ना, हाँ अंडे से लेके तो बटरफ्लाई कैसा बनता, वैसी ही कंपोनेंट जो है तुम्हारा, एक फंक्शन कंपोनेंट, ऐप कंपोनेंट, अभी जो अपन ने माय बटन बनाए, टेस्ट बटन बनाए, ये क्या है,
एवरी कंपोनेंट गोज थ्रू दिस लाइफ साइकिल, ये लाइफ साइकिल से जाता है, हर कंपोनेंट लाइफ साइकिल से जाता है बोले तो हर कंपोनेंट का एक कंस्ट्रक्टर मेथड होता ही है, वो तो कॉल होता ही है स्टार्टिंग में, इनिशियलाइजेशन में, बाद में गेट डिराइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स मतलब एक और मेथड है, उसके बारे में अपन और डिटेल में देखेंगे, बाद में क्या करता उन्हें अपने आप को रेंडर करता, रेंडर करता बोले तो HTML जो है वो क्या करता ब्राउजर पे डिस्प्ले करता, और बाद में क्या करता कंपोनेंट डिड माउंट मतलब माउंट हो गया कंपोनेंट मतलब HTML पेज पे चला गया तुम्हारा कंपोनेंट, और उसके बाद जाने के बाद HTML पेज पे जाने के बाद तुम्हारे तुम क्या करते हो कुछ तुमको कुछ फंक्शनल लिखना है या कुछ भी करना है तो एक बार बस इतना छोटा
हाँ हो गया क्या सबका? कोई तो भी एक ऑनलाइन में से बोलो, अभी याद हो गया सबका? अथर्व याद हुआ? देखो शरद, अथर्व, अथर्व रेज हैंड करके तू बोल। ये सबको मेरी अथर्व, हेलो आवाज आ रही है मेरी अभी? हाँ तो अभी अपन इसका थोड़ा तो डिटेल में पढ़ेंगे अपन। अभी तुमको ये सब चला जा, हो गया ना ये? हाँ तो माउंटिंग बोले तो क्या है, ये लिख के रखो सब लोग, और इसको भी याद करने का है। अभी तुम लोग अब ना याद कर करके आगे पढ़ना पड़ता अब मेरे को, मुश्किल है। अब सब लोग ये पेज खोल लो अपने पास, या फिर नोट्स निकालो, ये पेज खोलो, या फिर देखो यहाँ पर भी सभी डिटेल्स लिखे हुई है। एक तो ये पेज पढ़ना है तुमको, देखो यहाँ पर क्या है, माउंटिंग है, राइट? माउंटिंग बोले तो क्या है, यहाँ से पढ़ो, या फिर और इसका डिटेल डायग्राम ना, ये देखो ये डायग्राम है। कितने मेथड, कितने स्टेजेस है अपने पास? एक तो माउंटिंग है, दूसरी है अपडेटिंग है, और तू अनमाउंटिंग पहले कहीं को बोल रहा? स्क्रीन शेयर नहीं होता। अच्छा ठीक है, अब इसके बारे में एक एक लाइन तो भी इंटरव्यूअर को एक्सपेक्ट करता है कि पूछे। तुम याद तो कर दिए,
उन्हें कोई भी एक बोल देता है गेट डिराइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स क्या करता है पूछता है, एटलीस्ट हर एक के बारे में एक एक लाइन तो भी तुमको और एक एक्स्ट्रा याद रखना, हर एक के बारे में एक एक लाइन तुम लोगों को रट्टा मारना है। जैसा कि अभी माउंटिंग बोले तो क्या है, माउंटिंग मीन्स पुटिंग एलिमेंट्स इनटू द डॉम, डॉम पे एलिमेंट्स जाना, मतलब डॉम पे एचटीएमएल दिखना, बोले तो क्या बोलेंगे उसको, माउंटिंग। माउंटिंग इज पुटिंग एलिमेंट्स इनटू द डॉम। फिर कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर मेथड इज बिफोर एनीथिंग एल्स, मतलब ये सबसे पहली मेथड है जो कॉल होती है कंस्ट्रक्टर। और वाई इज कंस्ट्रक्टर यूज, कंस्ट्रक्टर इज यूज व्हेन द कंपोनेंट इज इनिशिएटेड, लाइक और कंपोनेंट इज अ नेचुरल प्लेस टू सेट अप द इनिशियल स्टेट एंड अदर इनिशियल वैल्यूज। तो कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या होता है, इनिशियल वैल्यूज या इनिशियल स्टेट क्या होते है, सेट होते हैं तुम्हारे, समझ में आ रहा है क्या। लिखो फिर, पहले तो कंस्ट्रक्टर लिखो, हाँ पहले तुम लोग बोलोगे माउंटिंग, माउंटिंग के बारे में क्या बोलोगे, नोट्स बनाओ सब लोग, माउंटिंग में क्या होता है, माउंटिंग बोले तो पुटिंग, बोले तो पुटिंग एक अच्छा वर्ड नहीं है, रुक जाओ पुटिंग कोई वर्ड ही नहीं है इंग्लिश में, पुट रहता है पुट। माउंटिंग, दीज मेथड्स आर कॉल्ड इन द फॉलोइंग ऑर्डर, यही ऑर्डर में कॉल होते हैं, जो ऑर्डर में अपन ने याद करे वही ऑर्डर में कॉल होते हैं। When an instance of the component is been created and inserted into the DOM, मतलब when the component is created and inserted into the DOM, कब कॉल होता है ये, जब माउंटिंग, माउंटिंग बोले तो क्या है, माउंटिंग के जो मेथड्स है, जो माउंटिंग के अंदर मेथड्स है, माउंट बोले तो कंपोनेंट पहली बार क्रिएट हुआ और डॉम के अंदर प्लेस हुआ, डॉम के अंदर प्लेस हुआ बोले तो अपने एचटीएमएल का जो ट्री स्ट्रक्चर है डॉम, जिसको बोलते हैं अपन डॉम, बोले तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल मैंने 2 से 3 बार बताया, ये जो पूरा एचटीएमएल टैग, फिर एचटीएमएल टैग के अंदर 2 टैग, हेड और बॉडी, बॉडी के अंदर तुम्हारा डिव और दूसरा डिव और उसके अंदर पैराग्राफ टैग, तो ये क्या बनता है, पूरा एक ट्री स्ट्रक्चर बनता है। तो ये पूरा जो ट्री स्ट्रक्चर है, तो डॉम के अंदर क्या रहते हैं, एलिमेंट्स रहते हैं, बराबर एलिमेंट्स रहते हैं और चाइल्ड एलिमेंट्स रहते हैं, हर एक एलिमेंट को चाइल्ड रहता है। माउंटिंग बोले तो क्या है, हाँ 5 बार बोलो, हाँ क्रिएटेड एंड इंसर्टेड इनटू द डॉम, इन माउंटिंग कंपोनेंट इज क्रिएटेड एंड इंसर्टेड इनटू द डॉम, इन माउंटिंग द कंपोनेंट इज क्रिएटेड एंड इंसर्टेड इनटू द डॉम। लिखो लिखो, नोट्स भी बनाओ इसके, हाँ फिर तो इन द मेथड्स, माउंटिंग मेथड्स कौन कौन से हैं, पहला कौन सा है, पहला है कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर पहला मेथड कौन सा है, हाँ क्या होता है कंस्ट्रक्टर मेथड में,
this is the place where state variables are initiated, मतलब और initialized, मतलब तुमको जो भी पहली वैल्यू देना है, जैसे काउंटर को जीरो वैल्यू देना है, एक्स वाई जेड को कुछ तो भी वैल्यू देना है, जो भी तुम्हारे स्टेट वेरिएबल्स है, स्टेट वेरिएबल्स आर इनिशियलाइज्ड इन कंस्ट्रक्टर, मतलब प्लेस ग्लेस लिखने की जरूरत नहीं है, कंस्ट्रक्टर मेथड, इन कंस्ट्रक्टर मेथड स्टेट वेरिएबल्स आर इनिशियलाइज्ड या इनिशिएटेड। मेजरली हम लोग कंस्ट्रक्टर के अंदर सभी वेरिएबल्स को इनिशियलाइज या वैल्यू असाइन करते हैं। दूसरी मेथड कौन सी है? ये एक स्टैटिक मेथड है, ओके, स्टैटिक मेथड है जिसका नाम है गेट डी कैपिटल डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, गेट डिराइव्ड स्टेट, गेट डिराइव्ड स्टेट्स फ्रॉम प्रॉप्स, सॉरी, हाँ, तो इंटरव्यूअर का एक और बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि ये स्टैटिक क्यों है, तो इन्हें कब कॉल होती है? अपडेटिंग के बाद, हाँ, कंस्ट्रक्टर के बाद, हाँ, मतलब तो उसका एक ही इंस्टेंस क्रिएट होता है, सिंगल इंस्टेंस, तो इज इनवोक राइट बिफोर कॉलिंग रेंडर मेथड बोथ ऑन द इनिशियल माउंट और अ सबसिक्वेंट अपडेट। ये मेथड जो है दोनों टाइम पे कॉल होती, एक तो अपडेटिंग में भी रहेंगी ये मेथड और डिड माउंट में भी रहेंगी, और ये दोनों कब कॉल होंगी? जब भी रेंडर मेथड कॉल होगा उससे पहले ये मेथड कॉल हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। लाइफ साइकिल है ना, तुम खुद कुछ ना करते वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाती, मतलब HTML को लोड करने से पहले, रेंडर क्या करता, पेज पे HTML को लोड करता, वो लोड करने से पहले अगर तुम्हारा कुछ करने का है तो तुम लोग क्या कर सकते हो, गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स ये मेथड यूज कर सकते हैं, गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स ये मेथड यूज कर सकते हो। इसके एग्जांपल्स भी लेंगे, पहले अपन इसकी थ्योरी याद करेंगे। इज कॉल्ड राइट बिफोर रेंडरिंग द एलिमेंट इन द डॉम, रेंडर करने से पहले ये कॉल होता है, तो राइट बिफोर अभी जैसा कि मैंने यहां पे, जैसा कि यहां पे अभी ये कंस्ट्रक्टर मेथड है, देखो ये क्लास कंपोनेंट कैसे बनाना शायद मैंने तुमको बताया नहीं है, लेकिन अभी अपन देखेंगे क्लास कंपोनेंट, शायद मैंने एक एग्जांपल लिया है कि जैसा फंक्शन कंपोनेंट लिखते हैं वैसे ही क्लास कंपोनेंट भी लिखते हैं। हेलो, या रिमोट होस्ट में वर्क फ्रॉम होम, या
no no sorry So सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही आपकी आवाज भी नहीं आ रही अरे यार आज नेटवर्क का प्रॉब्लम है अपन ने इनिशियल स्टेट कहां पे करते हैं अपन इनिशियल स्टेट का कंस्ट्रक्टर में हो जाता और अभी दूसरा क्या देख रहे हैं मेथड अपन गेट डिराइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स और इसके बाद कौन सा मेथड है
रेंडर मेथड। तो रेंडर मेथड से पहले अगर अपन ने कुछ इनिशियल वैल्यू सेट करे होंगे और उसको अगर अपने को अपडेट करने का है तो किधर करेंगे, गेट डिराइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स के अंदर करेंगे। हाँ, इसके बाद कौन सी मेथड है, रेंडर मेथड क्या करती है, क्या करती है, अपडेट कैसे करेंगे रेंडर मेथड, एचटीएमएल को पेज पे रेंडर करने का काम करती, जो तुम रिटर्न कर रहे हो एचटीएमएल वो क्या करती उन्हें पेज पे डिस्प्ले करती, रेंडर करती, रेंडर का मतलब ही रेंडर है, रेंडर अपडेट गिपडेट कुछ नहीं करती, क्या करती रेंडर करती, पेज पे एचटीएमएल को दिखाती। और रेंडर मेथड इज रिक्वायर्ड। अब ये ऊपर के जो मेथड्स है ना, तुमने कंस्ट्रक्टर मेथड जो है वो क्या है, ये क्या है, ऑप्शनल है, तुम नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा बराबर। गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स ये क्या है, ऑप्शनल है, तुम बहुत रेयरली यूज होता है, मतलब नहीं भी लिखेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब वो ऑटोमेटिकली वो रन तो करेगा, लाइफ साइकिल से तो गुजरेगा, लेकिन उसके अंदर कुछ नहीं भी रहा तो चलता, मेरे को कुछ नहीं करना है भाई गेट डिराइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स पे, मेरे को कंस्ट्रक्टर के अंदर नहीं इनिशियलाइज करने का है, कर सकते तुम ऐसा, नहीं भी रहा तो भी चलेगा ये मेथड्स, लेकिन रेंडर मेथड is required मतलब तुम्हारा कंपोनेंट बिना क्लास कंपोनेंट, और ये सब मेथड्स जो अपन देख रहे हैं वो सब क्या है, क्लास कंपोनेंट के अंदर के मेथड्स है जनरली, लेकिन ये फंक्शन कंपोनेंट को भी लागू होते हैं, ठीक है, फंक्शन कंपोनेंट को भी ये सब मेथड्स लागू होते हैं, बट ये हम लोग मोस्टली क्लास कंपोनेंट के सिनेरियो में देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, सो दिस मेथड इन इज एंड इज द मेथड दैट एक्चुअली आउटपुट्स द एचटीएमएल टू द डॉम, इज द मेथड दैट एक्चुअली आउटपुट्स द एचटीएमएल टू द डॉम। इज द मेथड दैट actually outputs the HTML to the DOM. बोल के लिखो, पढ़ के लिखो, तीन बार बोलो, चलो हाँ, अब ये लास्ट करने के बाद, इसके बाद क्या है, रेंडर के बाद चौथा क्या है, कंपोनेंट डिड माउंट, ये मेथड क्या करती है, ये कब रन होती है, आफ्टर आफ्टर रेंडर मेथड होता है, इंटरव्यू पूछता है कंपोनेंट डिड माउंट रेंडर से पहले रन होती है क्या बाद में रन होती, कंपोनेंट डिड माउंट कब रन होती, आफ्टर द रेंडर, एचटीएमएल आने के बाद, एचटीएमएल पेज पे आने के बाद रन होती है। हाँ बोल शरद, बोलती है
कंपोनेंट डिड माउंट मेथड इज कॉल्ड आफ्टर द कंपोनेंट इज rendered after the component is rendered. Component बोले तो HTML page तुम्हारा after the component is rendered. This is where you run statement that requires the component is already placed in the DOM. मतलब एक बार DOM के अंदर आने के बाद हम लोग तो जनरली API कॉल्स वगैरह हम लोग कंपोनेंट डिड माउंट पे करते हैं. सर्वर API कॉल्स टू गेट द डेटा इज जनरली रिटर्न्ड After the component is rendered, ये component did mount कब run होती है? After the component is rendered, whatever we need to do after the HTML page, अगर HTML जो है हाँ लिख दिए ये चार बार बोलो इसको अब नेटवर्क हाँ सब लोग रट्टा मारो याद करो लिख दिए ये सब मैं गूगल ये पूरे बिना देखे याद होना कंस्ट्रक्टर माउंटिंग में क्या क्या है कंस्ट्रक्टर गेट डिराइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स रेंडर और फिर कंपोनेंट डिड माउंट बराबर कंस्ट्रक्टर में क्या करते हैं हम लोग द स्टेट वेरिएबल्स इनिशियलाइज किसमें
before render method. This is where if you want to update the initialize variable before the page is rendered on the HTML. Here you can update it. So it returns a updated state. ये function क्या करता है? It returns the updated. डॉम पे आउटपुट करने के लिए यूज होता है. और फिर बाद में चौथा क्या है, आफ्टर द कंपोनेंट इज रेंडर्ड, हम लोग जनरली कंपोनेंट डिड माउंट क्या होता है, रेंडर होने के बाद कॉल होता है. इसमें जनरल यूज केस क्या है इसका, जो भी हमारे सर्वर के एपीआई कॉल्स वगैरह है वो हम लोग कहाँ लिखते हैं, कंपोनेंट डिड माउंट पे लिखते हैं आफ्टर द एचटीएमएल इज देयर ऑन द पेज. समझ में आ रहा है, ये याद करो इसको. हाँ सब लोग एक एक से बोलो क्या करते हैं. सब लोग पहले तो पढ़ो, ये मैंने जो भी लिखा है पढ़ो, चार पांच बार पढ़ो सब लोग इसको. बार बार बोला मैंने. हाँ हो गया क्या, लिखना हो गया सबका पहले, सब साथ में एक साथ. सब लोग याद करो इसको, कर हलेक से पूछूंगा मैं यहाँ पे. अभी याद करके जाओ, तुम लोग नहीं करते घर पे कुछ. अपडेटिंग कल करेंगे अपन. Thank you.